राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिया, प्रिया विद खाना में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह मैं लाई कुछ खास। तो गर्मियों के दिन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा बनाया जाए। तो हमने सोचा आप तक ये रेसिपी ज़रूर पहुँचाई जाए। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट मिल्क शेक और गुलाब जामुन मिल्क शेक दो तरीके के बनाए हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। गर्मियों के दिनों में बच्चे बूढ़े सभी को बहुत पसंद आता है, तो ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ना ही आपको गैस जलानी है या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, चीनी ली है, चीनी थोड़ी ज़्यादा है लेकिन अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़े से आइस क्यूब लिए हैं। और यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट ली है 2 बाइट्स। और यहाँ पर मैंने कोको पाउडर लिया है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो एक हम ले लेंगे ग्राइंडर जार, उसमें फटाफट से दूध डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूध डालेंगे। 1 कप हमने दूध लिया है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे कोको पाउडर, ये हमने 2 चम्मच तक लिया है कोको पाउडर। और यहाँ पर हम डेयरी मिल्क चॉकलेट लेंगे, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और चीनी डालेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच तक ही डालना है, बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाएगा क्योंकि चॉकलेट वगैरह भी मीठी होती है। थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 4 आइस क्यूब डालें क्योंकि हमने दूध बिल्कुल ठंडा लिया है फ्रिज का रखा हुआ। तो 4 से 5 आइस क्यूब डाल दिए हैं। और अब हम इसको फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है। और अब हम इसको कर लेते हैं ग्लास में। तो यहाँ पर हमने एक ग्लास ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले चॉकलेट सिरप लगाएंगे। इस तरीके से थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, गार्निशिंग अच्छी से हो जाती है। ये देखिए अच्छे से गार्निशिंग हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट मिल्क शेक। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल फैना फैनादार लग रहा है। और अब हम इसमें ऊपर से चॉकलेट सिरप डालेंगे, थोड़े से हम यहाँ पर चोको चिप्स डालेंगे गार्निशिंग के लिए। और थोड़ी सी हम यहाँ पर चॉकलेट कस के डाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़क देंगे गार्निशिंग के लिए, अच्छा लगता है थोड़ा। और अब ऊपर से थोड़े से और चोको चिप्स लगा देंगे। बस यहाँ पर देखिए ठंडा ठंडा हमारा चॉकलेट मिल्क शेक बनके तैयार है। बहुत ही इजली तरीका, कोई ज़्यादा हमने मेहनत नहीं बताई है। और सारे दूध वगैरह तो घर में नॉर्मल मिल जाता है, चोको चिप्स वगैरह ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए इसी तरीके से अब हम दूसरा मिल्क शेक तैयार कर लेते हैं रुआबजा का। और रुआबजा मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप दूध, थोड़े से आइस क्यूब, और यहाँ पर हमने रुआबजा ले लिया है और चीनी ले लिया है। चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें दूध डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें दूध डाल देंगे। और अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी भी इसमें भी हम 2 चम्मच तक ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, रुआबजा भी मीठा ही होता है। और यहाँ पर हम रुआबजा डालेंगे। और थोड़े से हम यहाँ पर आइस क्यूब डालेंगे।
और इसको ग्राइंडर जार में फिर से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ठंडा ठंडा एकदम से झागदार बन के तैयार है गुलाबजा मिल्क शेक। इसको हम कर लेते हैं ग्लास में एक। तो सबसे पहले हम ग्लास की यहाँ पर गार्निशिंग कर लेते हैं इस तरीके से। गार्निशिंग वगैरह हो जाती है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कुछ ठंडा सा बनाया जाए। ये देखिए इस तरीके से गार्निशिंग कर ली है। और अब इसमें हम गुलाबजामुन मिल्क शेक डालेंगे। ये देखिए कितना ठंडा ठंडा एकदम सा क्रीमी सा बना है ना, बहुत ही टेस्टी। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें एक बार, बहुत ही अच्छा बनता है। और अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे इस तरीके से। हमने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी बताई है। आप ज़रूर गर्मियों के दिनों में ट्राई करें। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम वगैरह हो तो आप डाल सकते हैं। और थोड़े से हम यहाँ पर टूटी फ्रूटी डालेंगे, टूटी फ्रूटी थोड़े से अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल में है ये भी। तो ये देखिए ये गुलाबजा मिल्क शेक भी बन के तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पर दो मिल्क शेक बन के तैयार हैं। गर्मियों के दिनों में आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें वर्क नहीं है, काम नहीं है, बस फटाफट से ना तो गैस जलानी है, कुछ भी नहीं करना है। गैस दूध को नॉर्मल ना डालें, ठंडा डालें, तो आइस क्यूब कम डालने पड़ेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर चॉकलेट मिल्क शेक तैयार है और यहाँ पर ये गुलाबजामुन मिल्क शेक तैयार है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप वो बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।